और इस उपलब्धि को क्या खुद नीतीश कुमार उपेन कुशवाहा ने धूमिल नहीं कर दिया? जी कर दिया। तो इस वजह से उपेन कुशवाहा की भी नाराजगी है कि जदयू राजद का विलय किया जाए, कि जदयू और राजद का विलय नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार ने अपनी जो अपना जो उनका छवि था वोट का था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये बड़ा खुलासा है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो नीतीश तेजस्वी को लेकर है। उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद जदयू में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दरअसल उत्तराधिकारी तो नीतीश कुमार ने घोषित कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार तब तक भाजपा के साथ चले जाएंगे या तेजस्वी के साथ ही रहेंगे? तो ऐसे में डॉक्टर साहब विशेष बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार तेजस्वी को भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उसके पहले ही नीतीश खेला कर देंगे? इसलिए कि नीतीश कुमार दो दो तीन तीन साल पर पलटते रहते हैं, दो साल तो फिर हो ही जाएगा 24-25 तक। नहीं देखिए, कुछ ऐसा कोई भौगोलिक घटना नहीं है जिसकी वजह से वो पलट जाए, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, इतना सॉफ्ट और इतना मतलब लचदार बात जब वो करते हैं तो निश्चित तौर पर शक होने लगता है। तो शक आपको इस बात को लेकर भी होना चाहिए ना कि 15 में सरकार बनी, 2 साल बाद सरकार से बाहर हो गए, ठीक है, और फिर नया सरकार बनी, 2 साल बाद बाहर हो गए, तो फिर नया सरकार बनी है बाहर हो गए, तो फिर 2-3 साल बाद नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड उनका खराब है। उस आधार पर तो आप सही कह रहे हैं, भौगोलिक घटना की तरह भी हो सकता है जी, पलटते हैं, शनि वहां के बैठ जाएगा, अपने आप राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाएगा, हो सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं पॉलिटिकल भी हो रही हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने से पहले नीतीश कुमार अपना लोटा और बिस्तर सब लेकर निपट लेंगे यहाँ से। तो ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने कुछ चीज़ें यहाँ जान लीजिए। पहली बात कि उन्होंने एक शर्त रख रखी है कि जदयू राजद का विलय किया जाए और विलय के बाद उस विलय से जो उत्पत्ति होगी उसको वो अपना नाम देना चाहते हैं, अपना वारिस बनाना चाहते हैं। तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रयास उन्होंने, देखिए आप याद कीजिए, ऐसा ही उन्होंने प्रयास किया था भाजपा के साथ जी। एक बात याद कीजिएगा, 17 से 18, 18 से 19 के बीच में एक चर्चा उठी थी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर सकते हाँ। इसके लिए उन्होंने अधिकृत भी किया था कुछ लोगों जी, बातचीत वार्तालाप करने के लिए, बात नहीं बनी थी। बाद में यूपी चुनाव और अन्य चीजों के लिए उन्होंने अधिकृत किया था आरसीपी सिंह को। नीतीश विलय क्यों चाहेंगे, ये सवाल बार बार लोगों के मन में भी उठता होगा जी। देखिए, विलय इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं क्योंकि विलय के बाद जो जनाधार है वो बढ़ जाता है। नीतीश के नाम भी तो खत्म हो जाएगा, जदयू खत्म हो जाएगी, जदयू मतलब नीतीश कहा जाता है। नीतीश जानते हैं कि जदयू समाप्त हो चुकी है। आप और हम अगर कागज पर जिंदा रखेंगे रालोसपा की तरह, मैंने कहा था कि रालोसपा खत्म हो जाएगी लेकिन मैं बार बार नाम लूंगा, तो रालोसपा उपेन्द्र कुशवाहा के लिए समाप्त हो गई है, मेरे लिए समाप्त नहीं हुई है। लेकिन इसी तरीके से जदयू बिहार से समाप्त हो चुकी है। जिस पार्टी का जनाधार शून्य हो गया है वो पार्टी लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पलाना ढिमकाना के नाम पर नहीं चल सकती है। नीतीश कुमार ने अपनी जो अपना जो उनका छवि था वोट का था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, और ये नेचुरल है यार, इसमें कुछ नया नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 15 साल 16 साल शासन अच्छा भी करेगा तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी, ये अलग नहीं है। कोई व्यक्ति अपना यौवन और बचपन जी कर आइए सोच ले कि यौवनावस्था खत्म ही ना हो, वो बूढ़ा नहीं हो, वो मरे नहीं, असंभव है। नीतीश प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। नीतीश फिनिश हो चुके हैं तो फिनिश हो चुके हैं। इससे पहले लालू यादव समाप्त हुए थे, उससे पहले और लोग समाप्त हुए हैं, कर्पूरी से लेकर जेपी तक सब समाप्त हुए हैं। हर आइडिया का समय होता है, एवरी आइडिया हैज इट्स टाइम। नीतीश कुमार देख रहे होंगे गुजरात में भाजपा कितना दिन से मुख्यमंत्री है, 30-35 सालों से, तो हम भी रह सकते हैं। तो 35 सालों को रहना तो रहे, लेकिन फिर क्यों झूठ बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? तो कालांतर में कहते हैं कि प्रशांत किशोर को मेरा उत्तराधिकारी है, कभी आरसीपी सिंह को बनाते हैं, कभी माझी को बनाते हैं, अब नया पे ललितपुर चिसवा रहे हैं ललन सिंह को। ललन सिंह को तो ये क्यों कर रहे हैं? ये जो हवाई बातें हैं ये करके किसको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीतिक जमीन से अपना प्लॉट लूज कर गए हैं, अब इनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। और आप उपेन्द्र कुशवाहा के आज के बयान से संदर्भ से समझ लीजिए, ये स्पष्ट हो गया है कि जदयू और राजद का विलय नहीं हो पाएगा, नीतीश की शर्तों पर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और ललन सिंह को अधिकृत करके नीतीश कुमार ने अपने हाथ कटवा लिए, और ये हाथ कटवाने के चलते और जदयू को खो देने की नाराजगी किसमें है? उपेन्द्र कुशवाहा में। कह रहे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक बात बताइए, मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, आप हम आपके पास जाते हैं, आप कहते हैं दोनों मिला लेंगे 15 रुपया हो जाएंगे, सबसे बड़ा हम आपसे मिलवा लेते हैं 15 रुपया करते हैं,
आप कहते हैं कि ठीक है इस 15 रुपया के 5% शेयर के आप मालिक हुए, अब फिर आप कहते हैं ना अभी इस 15 रुपया को और 20 रुपया जो है उसमें मिला देते हैं किसी और में, आप फिर आप डिसाइड कर लेते हैं, तो मेरा 5 रुपए कहाँ गया? 5 गया। उपेंद्र कुशवाहा आपने 5 रुपए के लड़ रहे हैं आज, उस रालोसपा के लड़ रहे जिस रालोसपा को ले जाके मिलवाए थे, पांच का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। वही तो बात है, अरे बचेगा तो 15 का नहीं जी, और हंस रहा आगे चल के 20 का ना बचे, तो सब जब एक में घोर मट्टा हो जाएगा तो कहाँ से अलग करके नाना पाटी का है ये मेरा खून तेरा खून नहीं होगा। लेकिन याद रखिए उपेंद्र कुशवाहा आज अपने 5 रुपया के लिए अखर रहे तरस रहे हैं कि 5 रुपया अगर मेरा होता तो मैं कहीं और जाकर अपनी राजनीति कर सकता था, कुछ जरूरी नहीं था। आज जिसे मांझी जी कहते हैं हमसे पूछा है तुम कैसे फैसला लिया, बनाओ जल्दी कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये बात उपेंद्र कुशवाहा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। राजनीति वापस घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा जब गए थे विलय करने तो नमन मिश्रा यही बात कह रहा था, हाथ मत कटवाइए, आपसे आग्रह है, क्योंकि आप बिहार के विपक्ष के उन चेहरों में से एक थे जिन्हें वाकई मैं पसंद करता था। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति विपक्ष में इतनी मजबूत थी कि मैं बहुत प्रभावित था इनसे। बिहार की राजनीति अच्छे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या रात रात एक फैसला कर लिया, एक बुरा चुनाव गुजरा। हालांकि बुरा चुनाव नहीं था, बाबा तो कहते हैं कि जो गठबंधन बनाकर ये 2020 के चुनाव में लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा ने अच्छा रिजल्ट लाया था। एक सीट तो जीता, एक सीट आप कर रहे हैं ओवैसी बीसी में थे, एक सीट 5 ओवैसी जीत के आए हैं जी जी, और एक ये समझिए तो इनका रिजल्ट खराब नहीं था, और प्रति बूथ जानते हैं 2% 4% वोट इन्होंने काटा था नीतीश कुमार का, तो ये क्या ये बड़ा उपलब्धि नहीं है क्या? और इस उपलब्धि को क्या खुद नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा ने धूमिल नहीं कर दिया? जी कर दिया। तो इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी है, लेकिन तय हो गया आज कि सीएम नहीं बनने दिया जाएगा तेजस्वी यादव का पैकअप कर दिया जाएगा 24 के चुनाव में। नीतीश कुमार एक बड़ी मुक्की खाने जा रहे हैं और वो वहीं से यू टर्न मारने जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो खबरें अभी तक आ रही हैं सामने, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में इस दल में जाएं उस दल में जाएं, लेकिन वास्तविक परिस्थिति ये है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की जो विलय की बात है वो अब और भी आगे बढ़ चली है, और तेजस्वी को तो नेतृत्व नीतीश कुमार 25 में सौंप ही रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।